हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपसे बात करते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ हिंदी डबड और कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। कबड्डी मैदानों लाड़ते आटा पाई टाड़ते बेटा। तो अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात करें सबसे बड़े खबर की, उस खबर की जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, विक्रम की मच अवेटेड फिल्म सूर्यपुत्र महावीर करण का टाइटल लोगो के साथ एक छोटे से क्लिप को रिलीज किया गया है। अब इस बात पर एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। इस एक छोटे से क्लिप में बहुत कुछ नजर आता है, जैसे कि ये फिल्म काफी बड़े लेवल पर शूट हो रही है, जिस तरह से बाहुबली को शूट किया गया था। वैसे आप इस क्लिप को देखकर ये भी कह सकते हैं कि ये फिल्म बाहुबली से भी बड़े लेवल पर शूट हो रही है, क्योंकि इस क्लिप में जो विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है उसे देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया था कि यार ये क्या बना रहे हैं। मतलब कि मैं किसी हॉलीवुड मूवी के क्लिप को तो नहीं देख रहा हूँ। तो जी नहीं दोस्तों, बल्कि ये एक साउथ इंडियन फिल्म है और अब ऐसा तो सिर्फ वही कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लिप है, जहाँ बड़ी बड़ी मूर्ति है, सैनिक जंग के लिए भाग रहे हैं, बादलों से भरा आसमान है, जहाँ पंछियों की आवाजें आ रही, मतलब क्या से क्या दिखाया गया है। इस एक छोटे से क्लिप की आप जितनी तारीफ करें कम है। वैसे मेरे पास तारीफ करने के लिए अब कोई शब्द ही नहीं बचा है। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये फिल्म अब रिलीज हो जाए और मैं इस फिल्म को देख लूं। फिल्म को आरएस विमल डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसमें विक्रम लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म आने वाले टाइम कई भाषाओं में रिलीज होगी। तो आपको फिल्म का ये क्लिप कैसा लगा और आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कुछ और बॉलीवुड फिल्मों की रिलीज डेट कंफर्म हुई है, जैसे कि सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस की अपकमिंग फिल्म भूत पुलिस 10 सितंबर को रिलीज होगी। अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म चेहरे, जिसे रोमी जाफरी डायरेक्ट कर रहे हैं, इस फिल्म की नई रिलीज डेट आ गई है। ये फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होगी। सरमन जोशी की अपकमिंग फिल्म मेरा फौजी कॉलिंग 12 मार्च को रिलीज होगी। उसके अलावा संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बन रहे इमरान हाशमी और जॉन अब्राहम की अपकमिंग गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मुंबई सागा की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। फिल्म का टीजर कल यानी कि 24 फरवरी को आएगा और ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म अनेक की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। ये फिल्म 17 सितंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म को अनुभव सिन्हा डायरेक्ट कर रहे हैं। अनुभव सिन्हा ने इससे पहले भी आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 को भी डायरेक्ट किया है। तो ये इस जोड़ी की दूसरी फिल्म है। देखना ये होगा कि पिछली फिल्म के मुकाबले ये जोड़ी इस बार कितना सफल होती है। भूल भुलैया सिक्वल यानी कि भूल भुलैया 2 की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। कार्तिक आर्यन, तब्बू और केरा आडवाणी की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 19 नवम्बर को रिलीज होगी। अगले खबर की बात करें तो गोपी चंद की अपकमिंग स्पोर्ट ड्रामा फिल्म सिटी मार का टीजर आ गया है। यहाँ पर आप गोपी चंद को एक कोच के रोल में देख सकते हैं, जो कबड्डी सिखा रहे हैं। वहीं टीजर में हमें कई जबरदस्त फाइट सीन भी देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि इस फिल्म की असली कहानी क्या होती है। ये फिल्म 2 अप्रैल को रिलीज होगी। खिलाड़ी के बाद रवि तेजा की एक और फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है। ये रवि तेजा की 68 फिल्म होगी, जिसे जाने माने डायरेक्टर त्रिंदा राव नकीना डायरेक्ट करेंगे। जी हाँ, और खबर ये भी है कि ये एक मास एंटरटेनिंग फिल्म होगी, मतलब कि जबरदस्त एक्शन से भरी होगी। तो अब देखते हैं कि फिल्म को लेकर और अपडेट कब तक आता है। एक अंदर की खबर ये है कि जो फिल्म शाहरुख खान और अतली कुमार की आने वाली थी, वो किसी रीजन की वजह से कैंसिल हो गई है। जी हाँ, खबर पक्की नहीं है, लेकिन रूमर बहुत ही जबरदस्त है कि शाहरुख खान ने इस फिल्म को मना कर दिया है। तो क्या ये सच बात है कि जो अतली कुमार और शाहरुख खान की फिल्म आ रही थी वो कैंसिल हो गई है? तो अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि जब ये कंफर्म हुआ था कि अतली कुमार और शाहरुख खान की फिल्म आने वाली है, उस टाइम से लेकर अभी तक कोई भी बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है, जिसको करीब 1.5 साल होने वाले हैं। लेकिन फिर भी ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि इस रूमर में कितनी सच्चाई है। वहीं ऋतिक रोशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर यह है कि ऋतिक रोशन बीटी सीरीज द नाइट मैनेजर के हिंदी रिमेक में लीड रोल में नजर आएंगे। ये सीरीज आने वाले टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। मतलब कि खबर कंफर्म है कि ऋतिक रोशन भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाले हैं। शाहरुख खान, अतली कुमार और ऋतिक रोशन की जो अपडेट आई है, जैसे ही इस बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, हम आपको सोशल मीडिया पर अपडेट कर देंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।